المرسلين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين دروشی پڑھیے بابا سے بلند خاموش نہ رہیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله حبيب خدا تاجداروں میں چمکے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے مل کے ذرا باواز بلندا کو محمد اکیلے ہزاروں میں محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے مل کے ذرا بابا سے بلند کو نبی اس طرح چار
सारे बोलो बयक जुबान बोलो और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करो, क्योंकि अज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक का तस्करा है, उसके फ्यूजो बराकात का तस्करा है और मुँह मुबारक भी बहुत जल्द इतने जलवा फरमा होना है इंशाल्लाह। यह जगह मखसूस कर दी गई है अल्लाह के फजलो करम नाल। मिल के जरा को हबीबे खुदा ताजदारों में, हबीबे खुदा ताज, हबीबे खुदा ताजदारों में चमके, मुहम्मद अकेले हजारों में चमके, मुहम्मद अकेले कोई चांद चमके सितारों में जैसे, कोई चांद चमके सितारों में जैसे, नबी इस तरह चार यारों में चमके, नबी इस तरह चार यारों में चमके, मुहम्मद अकेले है वह शम्स चेहरा तो वल्लैल ज़ुल्फ़े, मुवे मुबारक के ज़ुल्फ़ पाक देने है वह शम्स चेहरा तो वल्लैल ज़ुल्फ़े, वो कुरान के सिपारों में चमके, वो कुरान के सिपारों में चमके, मिलके जरा तीन वरी सारे कहने मुहम्मद अकेले हजारों में, मुहम्मद अके मुहम्मद अकेले, नहायत ही वाजिब उल एहतराम जी वकार जी एहतिशाम उलमाए किराम सनाखान हजरात और कुरान व हदीस की रोशनी विच खिताबात बयानात सुनने वास्ते दूरों नज़दीक तो मरकजी जामे मस्जिद बगदादी ज्वाला नगर समनाबाद फैसलाबाद के अंदर तशीफ लेन वाले गयूर मुसलमान भाइयों बुजुर्गो अजीज़ो दोस्तों और नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु। अज दा साडा जुमातुल मुबारक बड़ा ही खास जुमातुल मुबारक, फ्यूजो बरकात दा हामिल वैसे तो हर जुमा ही है लेकिन ये जुमा बिलखसूस एक अजीम हवाले नाल मनसूबे और हवाला मेरे तुहाडे लजपाल आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी जुल्फ मुबारक दा हवाला है और ये हवाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुवे मुबारक दा हवाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हर अजमत वराउल वराए, हर शान वराउल वराए, असी जिहड़े अहले सुन्नत व जमात आ ना असी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हर निस्बत दा हया करने आ। सारे बोलो बाबाजे बुलंद, हर निस्बत दा हया करने आ, निस्बत भावे मक्का मुकरमा नाल होवे, भावे निस्बत मदीना मुनव्वरा नाल होवे, भावे निस्बत अजवाज नाल होवे, भावे निस्बत आल नाल होवे, भावे निस्बत औलाद नाल होवे, भावे निस्बत असहाब नाल होवे, भावे निस्बत खून नाल होवे, भावे निस्बत इमामा शरीफ नाल होवे, भावे निस्बत असाज शरीफ नाल होवे, भावे निस्बत नलैन शरीफ नाल होवे, भावे निस्बत
किसी भी तरह की हो आने कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े वालों थोड़ी हर निस्बत नूं सलाम है। बोलो हर निस्बत नूं, सारे बोलो हर निस्बत नूं, उची बोलो हर निस्बत नूं सलाम है। बल्कि मैं जुमला इस तरह कह दिना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साड़ी तरफों तुहाडे मक्का शरीफ नूं भी सलाम। जरा उची आवाज ना बोलते जाओ, साड़ी तरफों तुहाडे मदीना शरीफ नूं सलाम, साड़ी तरफों तुहाडी औलाद नूं सलाम, साड़ी तरफों तुहाडियां शहजादियां नूं सलाम, साड़ी तरफों तुहाडी आल ते असहाब उन्हां नूं सलाम, साड़ी तरफों उन्हां जगह नूं सलाम जिथे तुसीं ठहरे जिथे तुसीं रहे उन्हां दरख्तां नूं सलाम जिन्हां थले तुसां जलवा गरीब फरमाई ते उन्हां थावां नूं सलाम जिथे तुहाडे नूरानी कदम लगे हुए उन्हां थावां नूं सलाम। असी ते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हर निस्बत नूं सलाम करने आ। बल्कि मैं शुरू दे अंदर एक जुमला कह दिया, फाइना मा हल्ला बिबुकातिन फदाअत तिलकल बुकातो बिनूरे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साडा नजरिया, साडा ईमान, साडा इतिकाद और साडा अकीदा है वे जेड़ा हजरत इमाम हकीम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नवादर रसूल के अंदर जिक्र फरमाया। साडा नजरिया बिल्कुल जेड़ा इमाम यूसुफ इस्माइल अन्नबहानी रहमतुल्लाह ताला ने साते दरैन और ज्वालर बिहार के अंदर जिक्र फरमाया। वो अकीदा नजरिया की है, साडा इतिकाद की है, साडा ईमान की है, साडी सोच की है, वो ए वे फाइन मा हल्ला जागिया जे सोया जे ना जुमले दा इस्तकबाल करिया जे फाइन मा हल्ला बे पोका दिन फदात तिलकल पोका तो बे नूरे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमीन दा ओ जमीन दी ओ जगह जिथे मेरे तेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कदम टिकांदे सन ओ सरकार दे नूर नाल थार रोशन हो जांदा सी, तो रोशन हो जांदा सी जी। ओ जगह, ओ धरती, ओ थां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदम लगन नाल रोशन हो जांदी सी। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिथे कदम लगे वो जगह बन गई नूर, तो जड़ी जुल्फ पा के जड़ी जुल्फ पा के जड़ी दाढ़ी शरीफ के बाल ने, जड़े सीना अनवर के बाल ने, जड़े मुहे मुबारक ने, बल्कि मैं इंज आखा जड़े कदम शरीफ ने, जड़े लगन नाल थां रोशन होवे वो कदमां दियां तलियां किन्नियां रोशन होणगियां। हाय हाय जेड़ा के रब कसम इरशाद फरमा रहा है, मैं नहीं आंदा रब कसम उठांदा पिया, नहीं रब कसम इरशाद फरमांदा पिया, ला उक्सेबो बिहाजल बलद व अंत हिल्लुन बिहाजल बलद मदीने दे ताजदारा मैनू शहरे मक्का दी कसम, क्या शहरे मक्का विच कमली वालिया तेरे नूरानी कदम लगे हुए ने। थोड़ा जा उची बोलो, उची बोलो, थोड़ा जा उची बोलो, अगले जुमे बिशाक आहिस्ता बोलिया जे अज जरा उची बोलो। महबूब तेरिया तलिया लगिया ने, हुण फिर मैं तुहाडे ते गल सुनना, रिजल्ट आप कर लो, जिथे सिर्फ तलिया लगन ओ थां ते नूरों नला नूर हो गया, ओ थां ते चमकन लग पिया, ते जेड़ा खुद मुवे मुबारक है ही वजूदे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जुड़िया है। ये बाल सिर का हिस्सा है नहीं या नहीं, दाढ़ी शीफ के बाल जिसम का हिस्सा है नहीं या नहीं, सीना अकदस के बाल जिसम का हिस्सा है नहीं कि नहीं, तो जिथे सिरों पैर लगन वो थां चमके तो इन्ह नूरानी बालों का कौन अंदाजा कर सकता है जी, कौन अंदाजा कर सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक अंदर इरशाद फरमाया, सूरा अल हज शरीफा, सूरा अल हज शरीफा आयत नंबर 32, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु व मगफिरतुहु। जिथे कुरान पाक दी आयत करीम है उदा हवाला मैं पेश कर रहा, अल्लाह दा कुरान है, सूरा अल हज शरीफा है, पारा नंबर 17 है,
आयत नंबर 32 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया وَمَنْ يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ फरमाया कि जेड़ा अल्लाह दी निशानियां दा अदब करे अल्लाह दी निशानियां दी तजीम करे अल्लाह दी निशानियां दी तौकीर करे फरमाया फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब ते ए दिलां दी परहेजगारी विचों है। इदा मतलब है कि जिदे दिल अंदर अल्लाह दी निशानियां दा हया है अल्लाह दी निशानियां दा अदब है अल्लाह दी निशानियां दी तजीम है फिर पुछण दी लोड़ नहीं दिल मुतकी है कि गैर मुतकी है फिर मनना पएगा उस दिल दे अंदर तकवा मौजूद है जिस दिल अंदर अल्लाह दी निशानियां दा अदब मौजूद है। हुण फिर मैं कुरान पाक पढ़ना चाहवांगा रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल्लाह दी निशानियां मुख्तलिफ चीज़ां ने एक जिहड़ा कुरबानी का जानवर है अल्लाह दी निशानियां ने कुरान पाक का फैसला है अल्लाह दी निशानियां ने ओ ऊंट जिहड़े कुरबानी वास्ते ज़बह कीते जांदे सन कुरबानी वास्ते लियांदे जांदे सन रब ने उन्हां अपनियां निशानियां करार दिता ये कुरान पाक का फैसला है। एक सादी जी गल जिदा सारियां नूं पता है अल्लाह तुहानूं भी मक्का मुकरमा लै जाए अल्लाह मैनूं भी मक्का मुकरमा लै जाए जाके तवाफे कावा करिए फिर दो रकतां पढ़िए फिर जमजम शरीफ इत्थों तक रज के पीए फिर पी के कित्थे जाइए हाँ कित्थे सफा ते मरवा सफा ते मरवा पढ़ो अल्लाह दा कुरान रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर फरमाया फरमाया इन्नस सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फरमाया बेशक सफा ते मरवा दोवें जिहड़ियां पहाड़ियां ने अल्लाह दियां निशानियां विचों निशानियां ने अल्लाह दे शायर विचों शायर ने अल्लाह दियां निशानियां विचों निशानियां ने या रब्बुल आलमीन उहदी की वजह है समझ सकने उहदी वजह की है जिस वेले हदीस का मुतालिया किया जाए तारीख का मुतालिया किया जाए सीरत दियां किताबां का मुतालिया किया जाए ये गल रोज़े रोशन की तरह साडे सामने बिल्कुल खुल के आ जाती है वाज़े हो के वाशगाफ अल्फाज़ के अंदर मैं दस देना वा हज़रते सैयदा हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने नन्हे शहज़ादे हज़रते इस्माइल अलैहिस्सलाम नूं लै के जिस वेले आईआं ने उस जगह ते हज़रते इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हां नूं छोड़ के गए ने जो पानी दाणा खजूरां कोल सन वह खत्म हो गई फिर वेखिया हुण हालात ऐसे बन गए ने ना पानी मिलदा है पिया ना खाण वास्ते कोई शै मिलदी है पई हज़रते सैयदा हाजरा सज्जे गई फिर खब्बे गई फिर दाएं गई फिर बाएं गई हर पासे ध्यान मारिया किते पानी नजर ना आया एवं दिल के अंदर ख्याल आ गया मेरा बच्चा प्यासा तड़पेगा अपना गुजारा मैं पानी तो बगैर कर लांगी पर इस्माइल दा गुजारा मैं किवें करांगी फरमांदियां ने सफा पहाड़ी ते मैं गई आ उच्ची जगह मैं चढ़ के वेनी आ किसे पासे परिंदियां दे आसार नजर आ जाण वो जगह जिथे पानी होएगा उथे परिंदे बैठे होणगे मैं उस जगह नूं जाके वेखांगी फिर मैं पानी हासिल करके लियावांगी आप भी पीवांगी अपने नन्हे इस्माइल सलाम नूं भी पिलावांगी हज़रते सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सफा पहाड़ी ते चढ़िया ने पर पानी नजर नहीं आया परिंदे नजर नहीं आए फिर उत्थों दौड़िया ने चलदिया चलदिया आईया फिर एक जगह अगली पहाड़ी आई जिन्हों मरवा किया जाता है उस पहाड़ी ते चढ़ गई ने सज्जे निगाह दौड़ाइए पानी नजर नहीं आया खब्बे निगाह दौड़ाइए पानी नजर नहीं आया चारों तरफ जदों वेखिया किसे पासे पानी नजर नहीं आया फिर पुत्रियां ने उठों चलिया ने फिर दौड़िया ने फिर चलिया ने फिर सफा पहाड़ी ते आईया ने फिर आपने चढ़ के पानी वेखिया पर पानी नजर नहीं आया उठों फिर उतरिया ने फिर चलिया ने फिर दौड़िया ने फिर अगे चलिया ने फिर मरवा ते आईया ने सत फेरे लाए सत चक्कर लाए कादे वास्ते पानी तलाश करने वास्ते जदों दौड़ दियां सन इस वास्ते दौड़ दियां सन जंगल बियाबान इलाका ऐसा है इत्थे कोई आबादी इस तरह की नहीं जिदा मैं इतबार कर सका मेरा बच्चा इस्माइल कल्ला बैठा होया है कोई जानवर आके कोई मूजी शह आके मेरे पुत्र इस्माइल नूं नुकसान ना दे देवे फरमांदियां ने मैं डरनी आ उत्थे दरमियान अंदर आके दौड़ दियां ने अज भी जिहड़े गए उन्होंने वेख्या है उत्थे सबज रंग दियां ट्यूबां लगियां होईयां ने किसे दौर दे अंदर तुर्कियां दे दौर दे अंदर उत्थे दो थंब बने हुए स
सन, पिलर बने हुए सन, उन्होंने रंग सबज से उन्होंने आंद ने मी लैन लैन आखदा रह सबज रंग के दो पिलर ने, लेकिन अज टूपा ला दी गई ने ताकि रस्ता वाजे हो जाए और निशानियां वाजे हो जाए, पता लग जाए आओ जगह है जिथे दौड़िया जाना है, पर मर्द दौड़न गया औरतां नहीं दौड़न गया। हजरत सईदा हाजरा इतने दौड़िया ने कादे वास्ते दौड़िया ने, पानी दे हासिल करने वास्ते, पहला कर जो वापस आईया ने, वापस आईया ने सतवा चक्कर लग गया, हार गई थक गई, दिल के अंदर ख्याल आया जिस अल्लाह के हुक्म के नाल इब्राहिम सानू इतने छड़ के गए ने, अल्लाह आपे पानी का बंदोबस्त फरमा लेगा। फिर वापस अपने बेटे को आईया ने आंदियां की वेख्या ने उस जगह उत्ते अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी फरमा दिता है। उस जगह उत्ते अल्लाह ने पानी का बोलो चश्मा जारी फरमा दिता है। आपने वेख्या है मट्टी लई बन मारिया ते फरमाया जम जम, इहदा मतलब है ठहर जा। जम जम का की मतलब है? रुक जा, ठहर जा। एक बाउंड्री लाइन ला दिती, फरमाया जम जम रुक जा, पानिया ठहर जा। पानी उत्थे जमा हो गया, वो पीता पानी इस्माइल सलाम ने पीता, हज़रत अम्मा हाजरा ने पीता, अज तक असी पींदे आ रहे हाँ, हुण भी पीने आ, क्यामत तक के सिलसिला जारी जारी रहेगा। हुण जिहड़े नुक्ते वल तवज्जो दिलाना चाहना, वो सफा ते मरवा पहाड़ियाँ या लाओ पत्थर ने कादी पहाड़ी हो, या लाओ कादी पहाड़ी है, फरमाया पत्थर दी, तो या लाए तेरिया निशानियां किवें बनिया ने, फरमाया इत्थे हाजरा दे कदम लगे हुए ने, उची बोलो इत्थे मेरी हाजरा दे कदम लगे हुए ने। या रब अलआलमीन जिथे तेरी बंदी जिथे तेरी वलिया दे कदम लगे हुए ने ओ था तेरिया निशानियां विचो निशानी है, फरमाया हाँ वो निशानी है। फिर मेरे दिल अंदर ख्याल आया इस हजरत हाजरा ना नबिया ने, नबिया नहीं एक नबी दी बीवी ने, एक नबी दी मां ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी बीवी ने, इस्माइल अलैहिस्सलाम दी अम्मा जान ने, या अल्लाह पाक तेरी नेक बंदी जड़ी नबिया ने उहदे कदम लगे ने ते पहाड़ियां निशानियां बन गईयां ने, ओ जगह जिथे अल्लाह दी प्यारी बंदी हाजरा दे कदम लगे ने ओ थां अल्लाह दीयां निशानियां ने, जिथे मेरे तेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदम लगे हुए ने, ओ थां अल्लाह दीयां निशानियां क्यों नहीं बन सकती? जिथे कदम लगन वो थां अल्लाह दियां निशानियां ने, फिर ये मनना पएगा जिथे सिर्फ कदम लगे ने ओ जगह अल्लाह दियां निशानियां विचो निशानी है। हजरत सैयदा हाजरा दे बारे की ख्याल है? वो आप अल्लाह दी निशानी है ने। वालियम जरा दे दियो, बोलिए जरा बोलिए, जिदे कदम लगन तो थां अल्लाह दी निशानी बन जाए, ते जिदे लगे ने बोलो ओदे बारे की ख्याल है? फिर मनना पएगा ओ जात खुद अल्लाह दी निशानी बहुत बड़ी निशानी ने, फिर बाकी अंबिया ये भी अल्लाह दियां निशानियां ने, दीगर रसूल ये भी अल्लाह दियां निशानियां ने, पैगंबर अल्लाह दियां निशानियां ने, मेरे अल्लाह दे जिन्ने नेक बंदे ने ये अल्लाह दियां निशानियां विचो निशानियां ने। फिर ये मनना पएगा जिदे सिर उत्ते अल्लाह ने खत्मे नबूवत दा ताज सजा के कलिया है, वो अल्लाह दियां निशानियां विचो सब तो अजीम निशानी ने, उन्हां दे हाथ भी अल्लाह दी निशानी, उन्हां दे बाजू अल्लाह दी निशानी, उन्हां दियां नूरानी अखां भी अल्लाह दियां निशानियां, उन्हां दा नक मुबारक बीनी मुबारक ये भी अल्लाह दी निशानी, उन्हां दियां नूरी नूरी गुले कुदस दियां पतियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम ये भी अल्लाह दी निशानी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रुखसार मुबारक गुलाबी
ये भी अल्लाह की निशानी, आप दी गर्दन मुबारक ये भी अल्लाह की निशानी, आप दा सीना मुबारक ये भी अल्लाह की निशानी, आप दी पुश्ते अनवर ये भी अल्लाह की निशानी, मेरे आका सुलम दी चोटी तो लैके पैरां दे नवां मुबारक तक एक एक मुवे मुबारक सुलम पाक दा एक एक वार, ये अल्लाह दियां बड़ियां निशानियां विचों बड़ियां निशानियां ने। मेरे इमाम आले सुन्नत आला हजरत अजीम उल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत सिराज उल उम्मत मौलाना इमाम शाम दरजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ले एवें तनी फरमाया, आप फरमांदे ने सलाम दे अंदर मिसरा या आपने बड़ा प्यारा लिखिया है, आप फरमांदे ने अल गरज उनके हर मुंह पे लाखों दुरू। आंदने मुख की गल मुकाइए, हर मुंह यानी हर मुंह मुबारक उत्ते जुल्फ शरीफ के जिन्ने वाल ने हर एक दे दरूद, दाढ़ी शरीफ के जिन्ने वाल ने सारियां ते दरूद। आंदने मुख की गल एवे अल गरज उनके हर मुंह पे लाखों दुरूद, 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 उनकी हर खूब खसलत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने आज चुप नहीं जे रहना, अगले जुमे बिशक ना पढ़े आज, आज जरा इन्ना पढ़ लवो मेरी तबीयत भी खुश हो जाएगी, मिलके जरा बावाजे बुलंद कहना है अल गरज उनके हर मुंह पे लाखों दुरूद, अल गरज उनके हर मुंह पे लाखों दुरूद, अल गरज उनके हर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुए मुबारक दे जरा दुरूद पेश कर लवो, अल गरज उनके हर मुंह पे लाखों दुरूद, 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 उनकी हर खूब खसलत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने लाम शमय पज में एता, लाम शमय पज में एतायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने लाम शमय पज में इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निस्बत है या और इस दा तबर्रुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सियाबा नु तालीम देंदे रहे, सियाबा एहतराम करदे रहे, हया करदे रहे, अकीदत रखदे गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप इन्हां चीजा नु बतौर तबर्रुक सियाबा दे दरमियान तकसीम कीता है। इस ते सब तो पहले मैं पहली हदीस पेश करन दा शरफ लगा हासिल करन, सुनो ते अपना ईमान ताजा करो, रावी को
होने हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु पहले दा हवाला सुन लो केड़ी-केड़ी किताब अंदर रवायत मिलेगी। सब तो पहला हवाला मुस्लिम शरीफ, दूसरा हवाला सही इब्ने हिब्बान, ये रवायत मुस्तदरक इमाम हाकिम अंदर भी मौजूद है, ये रवायत तिर्मिज़ी शरीफ अंदर मौजूद है, ये रवायत सुन्ने कुबरा इमाम नसाई अंदर मौजूद है, ये रवायत अबू दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है, ये रवायत मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल अंदर मौजूद है, ये रवायत मुसनद इमाम हुमैदी अंदर मौजूद है, ये रवायत सुन्ने कुबरा इमाम बैकी अंदर मौजूद है, ये रवायत सही इब्ने खुज़ैमा अंदर मौजूद है, आखिरी हवाला ये रवायत शरह सुन्ना इमाम बगवी के अंदर मौजूद है। इनिया किताबा हदीस दियां दे हवाले नाल मुस्लिम शरीफ समेत, तिर्मिज़ी शरीफ समेत, अबू दाऊद शरीफ समेत मैं सदी सुन लगावा कोड करन वेख्या जे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुवे मुबारक किस तरीके नाल सहाबा दे दरमियान तकसीम करते रहे ने और सहाबा किस तरीके नाल उन्हां दा अदब करते रहे ने, इहतराम करते रहे ने। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने अज दा मौका आ गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियां मार लिया, फिर इहराम मुबारक खोलना जी, उस तो पहले आपने टिंड मुबारक करवाई, आपने हलक मुबारक करवाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हिजाम आ गया। जिस वेले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हलक मुबारक लगा करन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस अंदर आंदा है अपना सर अनवर दा सजा हिस्सा पेश कीता, आपने फरमाया मेरे सर नूं सजे पासों पहले मुंड लै, जदों सजे पासों मुंड लिया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत सैयदना अबू तलहा रदी अल्लाह तआला नो बैठे हुए ने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू तलहा जी आका हुक्म, फरमाया करीब आना, वो जिन्ने मुवे मुबारक ज़ुल्फ पाक दे सरे अनवर नालों जुदा होए सर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू तलहा अलैल इस तो उत्ते मुवे मुबारक की अजमत विच मेरे को रवायत को नहीं लभना। यह मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ सुनो तो अपना ईमान ताजा करो। फरमाया अबू तलहा लै लै हिजाम दे सामने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खब्बी साइड की थी, फरमाया साइड मुंड, जो दूसरी साइड मुंडी गई जुल्फा मुबारक जुदा हो, यहां फरमाया अबू तलहा किथे वे जी माजाक दे काजल वालिया मैं हाजिर हूं, फरमाया करीब आना एवी लै लै पूरे सरे अनवर दे बाल मुबारक हजरत सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दे कोल आ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू तलहा हुण पता ही करना की है जी माजाक दे काजल वालिया जिवें हुक्म दियोगे मैं हुण जी करांगा। सुनो ते ईमान ताजा करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने भी मैं मुए मुबारक बाल मुबारक जुल्फा मुबारक तेनों दित्तियां ने एक कम कर अक्सम हो बैन الناس जिन्ने लोग मेरे गुलाम ते सहाबा इथे हाजर ने इना सुल्फानो इना मुए मुबारकानो इना सारिया में तकसीम कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लोग आज पूछदे ने किथों आए, ये कहां से आ गए, इतने कहां से आ गए। मैं क्या अपने सिर दे वाल गिण, जिदे चढ़ गए ने वो भी गिणे। हां जिन्हां दे वाल चढ़ गए ने वो भी गिणन कि गिण के मैनू दसन भी कितने बाल है सर पे, सारे नानके दादके कट्ठे करके गिणे तां भी नहीं गिण सकदा। जिन्हियां पार्टियां ने सारियां नूं कट्ठियां कर ले तां वी आखे मेरे वाल गिणो, उन्हें आखना तू पागल हो गया, वाल भी कदी गिने जांदे ने, ये नहीं गिने जा सकते, तेरे ते गए झड़ ते तू तां वी नहीं गिण सकदा। ते जिन्हां जुल्फां दी कसम अल्लाह ने उठाई हुई है,
जिन्हां दी कसम अल्लाह ने इरशाद फरमाई है, वो को गिनती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सिमु बैनन नास, लोगों में तकसीम कर दे, सहाबा ही तकसीम कर दे, उन्होंने तकसीम कर दिते। अब किसके हिस्से में कितने आए किसी को क्या खबर। फिर वो बाल मुबारक मुवे मुबारक चलते 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 पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचे, कहां से कहां तक पहुंचे। ये तो थी उस वक्त की बात। अब एक बात सुनिए, जब चाहें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ला कर अपने गुलामों को आज भी मुवे मुबारक अता फरमा सकते हैं। उची बोलो भाई अब्दुल रज़ाक साहब, अगे हो तुम्हारे वास्ते फ्रंट सीट रखी है। डॉक्टर साहब तुम भी आओ। अल्लाह अकबर, क्या समझे। अब इस पे मैं एक बात करने लगा हूं, इस पे मैं एक दलील देने लगा हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जिसको चाहे ख्वाब में तशरीफ ला कर मुवे मुबारक अता फरमा सकते हैं। इस पे मैं दलील देने लगा हूं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमांदे ने, आप दी किताब है नफासुल आरिफीन, उसके अंदर है बात लिखी है, जिन्हें पढ़नी हो वे पढ़ सकता है। आप अपने अब्बा जी शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह दे हवाले नाल बात इरशाद फरमांदे ने, मेरे अब्बा जी फरमांदे ने मैं एक बारी शदीद बीमार हो गया, मैनू हो गया बुखार, ते बचण दी उम्मीद नहीं सी, मैं समझिया कि मेरी जिंदगी हुण खत्म है, इन्ना बुखार गनूदगी मेरे ते तारी हो गई। शेख अब्दुल अजीज आए ते मैनू फरमान लगे तेरा पता लैण वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आ रहे ने। आया तेरा पता लैण वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आ रहे ने, ते आउणगे जिधर तुहाडियां पैंदा ने ना पैंती इस साइड तो आना है, तो तुसी अपनी पैंती का रुख चेंज कर लो, चूंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधरों तशरीफ ले आ रहे। आंदे ने मेरे ते गनूदगी बड़ी सी, कोई समझ ना आवे कि की करा। आंदे ने मैं गनूदगी विच हाथ दे इशारे ना बोलन दी सकत नहीं सी, हाथ दे इशारे नाल ही ना मैं अपने खादमा नू मुरीदा नू तलबा नू मैं इशारा किया कि मेरी चारपाई का रुख बदल दियो, मेरे आका तशरीफ ले आ रहे हैं, मेरी सरकार तशरीफ ले आ रहे हैं। आए हाय हाय फरमांदे ने मेरी चारपाई का रुख बदलिया गया। थोड़ी देर लंघी ते ठंडिया ठंडिया हवावां आउण लग पईआं, खुशबुआं आउण लग पईआं, अब्दुल्ला दा चन्न आए दुखियां दा सजन जिथों लंघदा गया रंग लौंदा गया, मिलके जरा आखो अब्दुल्ला दा चन्न दुखियां दा सजन अब्दुल्ला दा चन्न दुखियां दा सजन जिथों लंघदा गया रंग लौंदा गया अब्दुल्ला दा चन्न दुखियां आवाज ना आवाज मिलाओ कोई पता नहीं, इत्थे भी करम हो जाए ठंडिया ठंडिया हवावां चल पैण खुशबुआं दे हुल्ले आउण लग पैण अब्दुल्ला दा चन्न दुखियां अब्दुल्ला दा चन्न दुखियां लौंदा गया
ए महबूबे कुल सोना खत्मे रसूल जिथों लंघता गया रंग लौंदा गया ए महबूबे कुल सोना खत्मे रसूल जिथों लंघता गया रंग लौंदा गया ए महबूबे कुल सोना खत्मे रसूल जिथों लंघता गया रंग लौंदा गया। फरमांदे ने इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, मेरी हालत गनोदगी है जदों तशरीफ ले आए ने मेरे पैंतियां वालों उस साइड तो आए ने लेकिन मेरी चार पाई दा रुख चेंज हो चुकिया सी। मेरे सराने आप आके जलवा फरमा हो गए ते आउंदिया फरमान लगे कैफा हालो कैया पुनैया मेरे बेटे अब्दुल रहीम तेरा की हाल है। ऐ मेरे बेटे अब्दुल रहीम तेरा की हाल है। आंदने सोनिया हाल ते इस तरह दई सी कि जिंदगी दी उम्मीद नहीं सी पर हुण तुसी आ गए हो मैं ठीक हाँ। इत्थे ते बंदा मरन भी लगे जिंदगी दा आखरी साह होवे ते उदों भी महबूब आ जाण ते बंदा मौत नूं कह लैंदा ए नी जरा ठहर जा नी जरा ठहर जा दो घड़ियां रुक जा तकदीरे मैनू लगियां तोड़ निभा लैण दे। हाय 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 नी मौत ए जरा ठहर जा मैं खुद जान हवाले कर दे सा इस जान दा मालिक आ लैण दे। हालत बड़ी अजीब सी सोने चेहरे वालिया पर तुसी आ गए हो हुण मैनू सच्चे खैराने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके करम फरमाया मेरा सिर जेड़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी झोली अनवर दे अंदर है एक दस्ते अंदर आ गया मेरे तेरी कतारी हो गई किथे मैं किथे माही मदीने वाला। तेरे मैं बड़ा रोया खुशी दे नाली आंसू छलकदे ने पए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गोदी मुबारक दे अंदर पैराहन मुबारक कमीज मुबारक मेरे रोन नाल तार हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेनू अल्लाह जिंदगी भी अता फरमा दीती है तेनू अल्लाह ने सेहत भी अता फरमा दीती है खुश हो जा खुश हो जा खुश हो जा। हजरत शाह रहीम रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने एवें उसे खनूदगी विच तवज्जो करिया जे मेरे दिल अंदर ख्याल आ गया मैं सोचदा हुंदा सा काश मेरे कोल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुए मुबारक होण जिहड़े दुनिया व माफी हा नालो मेरे वास्ते ज्यादा अजीज होण ज्यादा प्यारे होण ज्यादा मैनू कीमती होण। आंदे ने मेरे ख्याल नो मेरी सरकार जान गए मेरे ख्याल नो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सोहनी सोहनी दाढ़ी मुबारक दे अंदर इस तरह हाथ फेरिया दो बाल मुबारक दाढ़ी मुबारक विचों जुदा होए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल रहीम जो सोचदा सै मैं वो भी पूरा कर दिता है आ लै तेरे वास्ते दो मुए मुबारक हाजर। या रसूल अल्लाह बड़ी शान वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मुवे मुबारक अता फरमाए दाढ़ी शरीफ दे फरमाए आला है। आंदे ने मैं ख्वाब अंदर उस हालत गनूदगी वेची मैं वो मुए मुबारक हासिल किते मेरे दिल विच फिर ख्याल आया कि मैं ते हालत ख्वाब विच आ पता नहीं मैं उठा तो मेरे को होण के ना होण
आंदे ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इस ख्याल नू भी जान गए ते फरमांदे ने ये तेनू दिते ने तेरे को ही रहन गए। हाय 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 ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह खुद लिख रहे हैं तेरे को ही रहन गए। आंदे ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लै गए तो मैनू आ गई जाग। जो मैं उठिया ना तो मैं वेखिया कि मेरे हाथ में उवें मूहे मुबारक कोई नहीं। मैं बड़ा परेशान होया बड़ा रोया मैं इस गल उत्ते। आंदे ने मेरी फिर अख लग गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो फरमान लगे अब्दुल रहीम वो मैं तेरे सराहने थले रखे ने सराहना उठ के वेखना उठ के सराहना वेख। आंदे ने मैं उठिया जल्दी जल्दी सराहना वेख्या थले दोवें मूहे मुबारक जलवा फरमान दोवें तशरीफ फरमान। हुण जदों लोगों नूं लगा पता कि शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह कोल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दाढ़ी मुबारक दे जुल्फे मुवे मुबारक ने आंदे ने लोकां विच शोर मचिया कुछ आशिक ते कुछ गासिब कुछ बाहरों ठीक इश्काले वो आए दीदार कीता दरूदो सलाम पढ़िया खुश होए ते कई हासिद उन्हें आख्या भी नहीं 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 ये ठीक नहीं ये एवें ख्याल ही है। उन्होंने मनिया कोई ना वो आखन भी एक नंबर है ही नहीं ये तो एवें शाह अब्दुल रहीम ने एक गल बना ली। अब सुनिए जरा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह क्या लिखते हैं। फरमांदे ने तीन चीज़ा इन्हां मूहे मुबारक दियाँ फरमांदे ने मैं थोड़े सामने जिक्र कर रहा। आपने फरमाया पहली चीज कि ये दोवें मूहे मुबारक आपस में जुड़े रहिंदे सन इस तरह ये जुड़े रहिंदे सन। जदों कोई भी इन्हां दे सामने आके दरूदो सलाम पढ़दा सी ते सीधे होके खड़े हो जाते सन सीधे हो खड़े हो जाते। जदों दरूदो सलाम की महफल मुकदी सी फिर जुड़ जाते सन। जदों फिर दरूशी पढ़िया जाता सी फिर सीधे हो खड़े हो जाते सन। हुण मैं तुहानूं एक चीज़ पूछा जिउंदा बंदा हिलुल सकता कि मरिया भी हिल लैंदा जी जी जिउंदे जिहड़े बैठे हो बोलो तो सही यार वह जिंदा जिहड़ा बंदा हुंदा वही हरकत कर सकता ना। जिस नबी दे बाल जिंदा ने नहीं 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 भाई अब्दुल रज़ाक साहब की आखणगे तनौले आया तो बंदे नहीं बोलते बोलो 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 बोलो। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुवे मुबारक जिंदा ने ते जिन्ना दे बाल ने उन्हां दे बारे की ख्याल है। जी भाई जुड़ जाए जब दुरूद सलाम पढ़ा जाए वो नहीं जी जवाब नहीं दे सकते। मैं क्या तेरा नबी नहीं ना दे सकता साडा नबी दे सकता है। असा तेरे ते कदी गल ही नहीं की थी। असी ते करने आ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी और जेड़ा तेरे सलाम का जवाब ना दे सके ओदा कलमा छड़ साडी सरकार दा कलमा पढ़ जेड़ा उम्मती दुरूद सलाम ते तोहफे पेश करे मुस्तफा ओदे सलाम का जवाब इरशाद फरमान दे दे। और सही हदीस विचो साबत है सही हदीस मा मिन मुस्लिम मिन जो सल्लम अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। फरमाया मैं उदे सलाम दा जवाब देना सही हदीस सनद भी सही ते मतन भी सही मैं उदे सलाम दा जवाब देना उदा सलाम मैं लुटाना उदे उते उदा जवाब देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुहे मुबारक जुड़े रहिंदे ने। जदों कोई दरूदो सलाम दे तोहफे पेश करदा ते सीधे होके खड़े हो जांदे ने ते जिस नबी दे बाल मुबारक जिंदा ने करिए तर्जमा जी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इमाम आले सुन्नत हाँ 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 अल्लाह हजरत अजीम उल बरकत रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने तर्जमा फरमाया है फरमांदे ने क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या
खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी पांच बारी मिलके जरा कह रहा है सबसे औला सबसे औला ओ आला नबी सबसे औला ओ आला सबसे औला ओ आला हमारा नबी सबसे औला आवाज मिला के आखो पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी पर ना डूबे मूवी आप बन दी है भाई एक मूवी अल्लाह दे फरिश्ते बना रहे ने उस मूवी अंदर तुहाडे सारियां कहतो सकना सौणियां चाहिदियां ने पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी पर ना डूबे हमारा नबी सबसे औला ओ आला हमारा नबी सबसे औला ओ आला हमारा नबी सबसे औला नबी सबसे औला ओ आला दूजी चीज शब्द रहीम रहमतुल्लाह तआला अलैह आ फरमांदे ने तीन बंदे आ गए आके कहन लगे जी सानू यकीन नहीं आउंदा ये असल ने के नकल ने की एतबार करिए असी तनकीद करन वास्ते आए आ असी तनकीस करन वास्ते आए आ असी वेखण वास्ते आए आ ये असल ने के नकल ने आपने दोवें मुवे मुबारक कमरे विचों ज़ियारतगाह विचों बाहर कढ़े जदों मुवे मुबारक बाहर तशरीफ ले आए ने हर बंदा एक बंदा ताइब हो गया उन्हें तौबा कर ली तौबा कर दूजे दो आंदे ने नहीं जी एक कुदरती हो गया एवं ही अचानक ही सडनली एक हो गया बस ऐसे ही हो गया आपने फरमाया चलो फिर कर लेने हैं आप मुवे मुबारक नू कमरे विच लै गए ज़ियारतगाह विच उत्थों बाहर फिर जदों लियांदा ना फिर बदली आ गई उन्हें आख्या जी अगर एक बारी फिर इंज हो जाए असीं दोवें मन लांगे वो फिर अंदर लै गए फिर जो बाहर कढ़ के लिया अल्लाह का हुक्म हो गया फिर बदली आ गई उन्हें मुवे मुबारक उत्ते साया कर दिता वो दोवें भी ताइब हो गए अकीदतमंद बन गए तिने हुण तीसरी गल की सी इहदे विच ज़ियारत वास्ते इन्हां दा ताला खोलिया जाना सी सरे आम लोगों नूं ज़ियारत करवाई जानी सी खास मौके ते ज़ियारत करवाई जानी सी जिस तरह अज इंशाल्लाह ज़ियारत होगी और हर शख्स मज़ेन में रखें नमाज से फारग हो जाना जब तो फौरी तौर पे जिसको जरा भी शक हो ना कि शायद मेरा वजू नहीं है जरा भी शक हो फौरी तौर पे हालत वजू में आ जाना है हालत वजू में बगैर वजू के कोई शख्स ज़ियारत के लिए ना आए कहीं बेअदबी ना हो जाए आंखें भी पाक हो सोच भी पाक हो जिस्म भी पाक हो सुभान अल्लाह वो खोला जाना था लेकिन लोग
बड़ा जमे गफीर था, रश था जी। आज कैसे होगा, इतना रश है। फरमाया मुझे ताला खोलने दो। जब शाह अब्दुर्रहीम रहमतुल्लाह अलैह ताला खोलने लगे तो ताला नहीं खुला, हालांकि उसी चाबी के साथ हर दफा ही ताला खोलता था, लेकिन ताला नहीं खुलता पिया। आपने मुराकबा फरमाया, मुराकबे में आपको इशारा हुआ कि कोई शख्स है इस मजमे में जो हालत जनाबत में है, उसकी तहारत नहीं है, वो जुम्बी है, उस पर गुसल फर्ज है, वो इस मजमे में मौजूद है। आपने लजपाल लोग होते हैं ना, आपने ये नहीं कहा कि फलां निकल जाए, फलां निकल जाए, फलां निकल जाए, नहीं, आपने फरमाया भाई जिस किसी का वजू नहीं है ना, ताला खोलने से पहले मैं चाहता हूं कि वो वजू करके आ जाए, ताला खोलने से पहले मैं चाहता हूं कि वजू करके आ जाए। अब जो था हालत जनाबत में, उसके दिल में तो चोर था ही था, वो फौरी तौर पर साइड पर निकला, साथ ही ताला खुल गया, साथ ही ताला खुल गया। फिर सरे आम लोगों को मुवे मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी ज्यारत करवाई गई। फिर पूछने वाले इलाके से मुअज्जज लोग आके पूछने लग पे कि शाह साहब कितों इनाम मिल गया है, ते मदीना शरीफ अल मुंह करके आंदे होंगे, आंदे होंगे जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी मिलके बावाजे बुलंद जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया। अजय आवाज थोड़ी अखीर अपना चंगा करिए, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम, ये तो करम है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं, ये तो करम वरना, ये तो करम है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया है मुझको जितना दिया। आज साढ़े सभी करम है, आज इमाम अलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया जुल्फा पाकां दे मुवे मुबारक उन्हें थोड़ी देर बाद इस जगह से जलवा फरमाने वाले ने, और साढ़े पल्ले चंगा अमल ते कोई नहीं, पापी सरूर मुजरिम है वा गुनागार स्याकार पदमाल रूसिया वा, पर सोने दी नजरे करम दा असर अज साढ़े इतने बाहर नजर आ रही ने, वो जितना दिया मुझको जितना दिया, मुझको जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी
उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका नाम होया है। फरमांदे ने ये तो करम है उनका वरना ये तो करम वरना ये तो करम उनका वरना मुझ में तो है मुझ में तो ऐसी बात नहीं मुझ में तो ऐ हजरात अभी इंशाल्लाह सुनते पड़ी जाएंगी, अजान होगी, खुतबा होगा। ये सुनतों के बल्कि अजान जब हो जाएगी तो इंशाल्लाह इसी दौरान ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक यहाँ जलवा फरमा हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। जायज़ दिली हाजात अपनी अपने दिल में रखें और आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवे मुबारक को वसीला बना के अपने अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह हल पे करम फरमा दे, ये बीमारी है दूर फरमा दे, ये मुश्किल है आसान फरमा दे। या अल्लाह पाक हम तेरी बारगाह के मंगते हैं, तेरे घर में जमा है, मेरे मौला हमें खाली वापस ना लौटाना। जिसके औलाद नहीं है वो औलाद मांगे, जिसके रिजक नहीं है वो रिजक मांगे। मैं अल्लाह की बारगाह में उम्मीद रखता हूँ कि हम जो मांगेंगे हमारा रब हमें अता फरमाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगला जो जुमा होगा वो भी इंशाल्लाह मुवे मुबारक की बरकत पर ही इंशाल्लाह होगा, क्योंकि अभी कुछ भी बयान नहीं हुआ, कुछ भी बयान नहीं हुआ। बकिया हिस्सा इसका अगले जुमे में बयान करूँगा। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु।